हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा या उत्तर प्रदेश में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं 2022 तक, उसमें एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सवाल आए हैं, करीब 30 साल के पीवाईक्यू को हम लोग देखेंगे सीरीज के माध्यम से। जैसा कि मैंने पहले भी सीरीज के कई सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो आज भी हम यूपीपीसीएस के पुराने सवाल या यूपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं छोटे से लेकर बड़े, उनमें एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो फिर मैं और भी सब्जेक्ट के सीरीज को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो चलिए, आज अपने इस सीरीज में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। तो जो थेरी गाथा होता है मित्रों, ये बेसिकली अगर सवाल आता है कहीं भी, तो थेरी गाथा बौद्धिज्म से रिलेटेड है। तो थेरी गाथा बेसिकली बौद्धिज्म में निकाय होते थे। निकाय मतलब उनकी एक स्पेशल कविता या साहित्य का एक किताब होता था। तो थेरी गाथा का जो वर्णन हुआ है वो खुद्दक निकाय में हुआ है। अंगुत्तर निकाय के बारे में अगर हमें चीज़ें अगर अच्छे से कुछ चीज़ जाननी हो तो अंगुत्तर निकाय के बारे में ये बताया जाता है कि अंगुत्तर निकाय में हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो 16 महाजनपद हैं वहाँ पर हमें एक भगवती सूत्रा हो गया, एक अंगुत्तर निकाय हो गया। भगवती सूत्रा जैन धर्म का है और एक अंगुत्तर निकाय हो गया, वहाँ पर हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें सूची है, सूची का मिलान करना है। जन्म जो हुआ था बुद्ध भगवान का, उससे रिलेटेड जन्म जो हुआ था उससे रिलेटेड एक सूचना होता है या एक जो सिंबल होता है। तो जन्म का जो सिंबल है मित्रों वो हो जाएगा कमल। जन्म का जो हो जाएगा कमल हो जाएगा। प्रथम प्रवचन जो हुआ था बुद्ध भगवान का वो हुआ था सारनाथ में, तो वो बोधि वृक्ष को लेकर हो जाएगा। और महाबोधि जो है महाबोधि में जो गया में है वहाँ पर उनको निर्वाणा मिला था, तो वो बोधि वृक्ष हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, जन्म जो हो जाएगा वो कमल हो जाएगा। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र, महाबोधि बोधि चक्र, और जो त्याग है वो घोड़े से रिलेटेड है या घोड़ा उसका सिंबल है। घोड़े का मतलब ये होता है अश्व जो होता है वो तेजी से चलता है, तो इसलिए जो त्याग है त्याग को घोड़े से दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 236, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो उसके बारे में हम देखेंगे, अलार कालम, उद्रक रामपुत, मक्खली घोषाल, निगंठ नाथपुत। इसमें बेसिकली हम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के गुरुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है अलार कलम और उद्रक रामपुत्र जो थे वो इनके गुरु के रूप में कार्य किए हैं। तो अलार कलम और उद्रक रामपुत्र, ये अलार कालम और उद्रक रामपुत्र जैनिज्म में महावीर स्वामी के भी गुरु का फर्ज इन्होंने निभाया है। अगले क्वेश्चन में, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण निम्नलिखित हैं या सम्मिलित हैं, इनमें से कौन कौन से कारण होंगे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, चौथा स्थानीय भाषा का प्रयोग, पांचवा दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। मित्रों, बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म या वैदिक पीरियड था उस समय, तो वैदिक पीरियड के बाद अचानक इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई लोगों को और इतना तेज़ी से उसका विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो बौद्धिज्म के पहले या जैनिज्म के पहले हमें पता है लेटर वैदिक पीरियड चलता था। तो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर थे, कई प्रकार के रिचुअल हुआ करते थे, यज्ञोपवीत संस्कार होते थे, समाज कई तबकों में बट गया था, कई प्रकार की जातियाँ, कई प्रकार की कुरीतियाँ, सती प्रथा, मतलब तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हो गई थी। तो उन्हीं सबको दूर करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे जो तथाकथित जाति के थे, छोटे जाति के जो लोग थे उन्हें मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं मिलती थी, पूजा करने की अनुमति नहीं मिलती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है। और एक सबसे मुख्य अगर कारण देखा जाए तो हम पाएंगे इन चीज़ों को कि उस समय जो कृषि था, कृषि का विकास होना चालू हो गया था, क्योंकि इस एज में
पंच मार्क्ड क्वाइन जो होता है उसका भी आविष्कार हो चुका था, जो सिल्वर क्वाइन होता है। और उसी समय जो हल होता है, हल की खेती लोहे से की जाने लगी थी, उस समय लोहे से की जाने लगी थी। इसके पहले जो हल होता था, हल जो बना रहता था वो बनता था लकड़ी से, लेकिन अब का जो कार्य था, अब का जो समय था, वहाँ पर हल जो है लोहे का बनने लगा था। तो वहाँ पर लेकिन अब जो छोटे तबके के लोग थे वहाँ पर, उन्हें अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दूर करने के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी। तो उसके उत्तर के या प्रत्युत्तर के रूप में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये भाषा जो यूज करते थे बौद्धिज्म में, ये लोग पाली लैंग्वेज यूज करते थे, पाली भाषा। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम में बताना है, जिसमें उसमें बताया जाता है ना कि ये संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण निरोध है, दुख का जो है निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। तो ये बेसिकली चारों तरीके से, एक तरीके से क्रोनोलॉजिकली ये शॉर्ट हो गया है। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि संसार में कैसे दुख है, दुख है तो उसका कारण क्या है, इच्छाएं होती हैं, लोगों की तृष्णा होती है, तृष्णा को दूर कैसे करना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो बताए हैं। और अपने धम्मा, बुद्धा संघा या धम्मा के बारे में बताए हैं कि इन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। केवल एक द्वितीय सही, एक दो सही, केवल एक सही, इनमें से सभी सही हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम बात करें, तो वे कर्मा थ्योरी को मानते थे, हमेशा वो मानते थे कि जो आप कर्म करेंगे वो आपको मिलेगा। तो कर्मा थ्योरी में वो विश्वास रखते थे। वो ये भी विश्वास करते थे कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, कि आत्मा, सीधी सी बात है, अगर जो कर्मा थ्योरी पर बिलीव करेगा वो ये सोचेगा या सोचने पर मजबूर भी हो जाएगा कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें आने वाला शरीर प्राप्त होगा। तो आत्मा का शरीर में परिवर्तन भी मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। जी बिल्कुल सही है, उन्हें निर्वाणा मिला भी था, निर्वाणा उन्हें कुशीनगर में मिला था। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे, वो कर्मा फिलॉसफी में विश्वास करते थे। इसीलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक दो तीन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्प को निम्न माना। इसमें हम देखेंगे जो बौद्धिज्म था बेसिकली, वो वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। बेसिकली जो वर्णा थ्योरी था या जाति थे वो अस्वीकार नहीं किए थे, वो मानते थे ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो समाज में फैली कुरीतियों को हटाना चाहते थे। दूसरा जो है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही बात है। बौद्धिज्म का जो आविष्कार हुआ या जो बौद्धिज्म का उदय हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि ब्राह्मण समाज उस समय काफ़ी अग्रसर हुआ करता था और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था आम लोगों को। इस वजह से एक रिवोल्यूशन के तरह पर या एक क्रांति के तरह पर बौद्धिज्म या जैनिज्म का उद्भव हुआ है। फिर तीसरा है, उसमें उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है, बिल्कुल सही है, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, जब कर्मा थ्योरी पर बिलीव करेगा जो, तो पुनर्जन्म तो सीधी सी बात होगा, तो इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता है, ये ऑप्शन अपने आप में गलत है। इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा, ये गलत है किंतु आर सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। फिर असर्शन रीजन पर क्वेश्चन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब इस ऑप्शन को लेकर हम सही करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम लोग,
244। हाँ, इसमें देखेंगे कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये बिल्कुल सही है। कुशीनगर, देवरिया, ये सारा जो एरिया था ये मल्लों के अंदर आता था और ये रिपब्लिक था, बेसिकली गणराज्य था ये। यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता था। और दूसरा ये था कि जो उनका महानिर्वाणा है, महापरिनिर्वाण हुआ था, वो कुशीनगर में हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है कि कुशीनगर में उनका महान परिनिर्वाण हुआ था, ये ऑप्शन ए को वैलिडेट नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन अपने आप में अलग अलग सही है, लेकिन ऑप्शन बी ऑप्शन ए को वैलिडेट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन असासन रिजर्वेस, ये भी है। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्ष वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे हैं। श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। अब इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा आप सुने होंगे कि जो भगवान बुद्ध थे अपने काल के समय, जब तक वो 80 वर्ष की अवस्था में थे तब तक वो कई जगहों पर घूमते थे, और ऐसा माना जाता है कि वो श्रावस्ती जो अयोध्या के बगल में है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं और वहाँ पर लोगों को अपने ज्ञान के अमृत का वर्षा करते रहे हैं। और ऑप्शन बी जो है श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत गौतम बुद्ध की आयु के ही थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है इंडिपेंडेंट रूप से, लेकिन श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत गौतम थे, प्रसन्नजीत थे, तो उससे ये नहीं सिद्ध होता है कि सर्वाधिक वर्ष गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। तो अपने आप में दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था मित्रों, वो शाक्य वंश के राजा थे, तो उनका उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, उनकी माता का नाम महामाया था, और इनका जो जन्म हुआ है वो नेपाल के, जो प्रेजेंट में अभी नेपाल में है, वहाँ के लुम्बिनी में हुआ है, और इनका जो पालन पोषण है वो गौतमी नाम की एक महिला थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया है, इसीलिए इन्हें गौतम भी कहा जाता है। और ये जो अभी का जो लुम्बिनी है उसे हम आधुनिक में रुमेंदेई के नाम से भी जानते थे, और उनके पिता जो थे, जैसा कि मैंने बताया है, शाक्य वंश के थे या शाक्य कुल के थे। और उनकी जो माता जी थी, जो महामाया थी, वो एक कोलीय नाम का गणराज्य हुआ करता था, कोलीय रिपब्लिक। कोली रिपब्लिक बेसिकली अभी जो प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर का जो एरिया है, वहाँ रामनगर या रामगढ़ का जो ताल वाला एरिया, ऐसा बोला जाता है, गोरखपुर में एक रामगढ़ का ताल है और जो प्रेजेंट में भी ताल के रूप में स्थापित हुआ है, तो वो ऐसा बोला जाता था वो कोलीय गणराज्य था। खैर वो बातें हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जो महामाया थी वो कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कोलीय वंश। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो ये किस हिसाब से ये सिद्ध होगा? तो ये जो सिद्ध होता है, अशोक का एक लेख हुआ करता था, अशोक के एक अभिलेख से ये सिद्ध होता है कि लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी, जैसा कि मैंने बताया है, उनका महापरिनिर्वाण स्थल जो है कुशीनगर में है, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो वो अब कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जो गोरखपुर जिले के बगल में है। तो बुद्ध का जहाँ मृत्यु हुआ था वह स्थान अब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 248। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग क्या थी? तो उनकी तिथि जो थी 483 ईसा पूर्व थी, करीब 80 साल वो जिए हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सारनाथ में अपना प्रवचन किसने दिया? प्रथम प्रवचन सारनाथ में भगवान बुद्ध को जब गया से या बोधगया से, बोधि वृक्ष के नीचे से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो सबसे पहला जो उन्होंने अपना प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन में इसमें हम देख सकते हैं कि और इसी से रिलेटेड जो सिंबल है उसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं, जो सारनाथ में दिया गया था उसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण पहला ऑप्शन है, उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका कृता, उनका
प्रबोधन। तो महाभिनिष्क्रमण जो होता है उनके गृहत्याग के, उनका जब गृहत्याग हुआ था तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो हुई थी, तो उसके एक सिंबल के रूप में या उसका एक शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश को किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। तो बुद्ध का जो बेसिकली फिलॉसफी था या उनका जो एक आइडिया था वो चारों तरफ एक अपने एक आचरण की तरफ दृष्टि दिखाता है वो, तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता उनमें मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं। तो इसलिए इसका जो जवाब है वो डी हो जाएगा। बुद्ध के उपदेश बेसिकली आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर इंगित करते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोध, प्रथम उपदेश, निर्वाणा। तो मृग सहित चक्र या घटना जो चक्र के बारे में बात किया गया है वो प्रथम उपदेश से रिलेटेड है, अभी हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। देखिए देखिए क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे पीआईक्यू देखने से आप लोग ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है अपने आप में पीआईक्यू अपने आप में कितना इंपॉर्टेंस रखता है और बार बार ये रिपीटेशन भी होता है। अगला है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र, उपाले। तो जो अंतिम उपदेश दिया था वो सुभद्र को दिया था, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम उपदेश जो है सुभद्र में दिया था, बेसिकली वो जब 80 वर्ष के हो चुके थे तो वो अपने बहुत जर्जर हालत में पहुंच चुके थे और हिरण्यवती नदी पास करके वो कुशीनगर में पहुंचे और वहाँ पर वो अपने अनुयायियों से या अपने चेलों से बोले कि ठीक है मैं अब लेटना चाहूँगा और मेरे लिए उत्तर की ओर सिर कर दो और दक्षिण की तरफ पैर करो और मल्लों को बता दो, क्योंकि वो बेसिकली मल्ल की राजधानी थी, और मल्लों को बता दो कि हमारा अंतिम समय आने वाला है। तो काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा भी हो गए और इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर एक सुभद्र नाम का इंसान था, उसके काफ़ी रिक्वेस्ट करने या प्रार्थना करने विनती करने के उपरांत जो है महात्मा बुद्ध ने अपने उसे अपना अंतिम उपदेश प्रदान किया था, उसका नाम था सुभद्र। अगला क्वेश्चन, बोधगया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया, निम्नलिखित में से वे दो बंजारे कौन थे? तो उनका नाम था मल्लिक और तपस्सु नाम के दो बंजारे थे, उन्हें भगवान बुद्ध ने अपना उपासक बना लिया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। ऐसा सुना गया होगा, ऐसा सभी लोगों को पता होगा कि बौद्ध संघ में शुरुआती दौर पर भिक्षुणी या महिलाएं पूरी तरीके से वर्जित हुआ करती थी, लेकिन बौद्धिज्म में वैशाली में सबसे पहले ये आदेश दिया गया कि वैशाली में महिलाएँ जा सकती हैं, और ये बताने वाला उनके चेले आनंद थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। तो देवदत्त जो था भगवान बुद्ध का चचेरा भाई हुआ करता था और वो शुरू से ही या उनके जीवन काल से ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा देवदत्त। मित्रों आज की सीरीज को यहीं रोकते हैं, कल इसके आगे हम चीज़ों को देखेंगे और बौद्धिज्म से रिलेटेड अगले कुछ सवालों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।